गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बार बार सलमान खान पर हमला करा रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। लॉरेंस कई बार सलमान को मारने की प्लानिंग बना चुका है। अब इससे जुड़ा एक ऐसा मामला सामने निकल कर आ रहा है जिसे आप सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। अब ये अपडेट निकल कर आ रही है कि सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने नाबालिगों का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था। इतना ही नहीं, सलमान की हत्या करने के बाद उनको विदेश भेजने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद लॉरेंस इगो ने उन्हें कन्याकुमारी से समुद्री मार्ग के जरिए श्रीलंका भेजने वाले थे। लेकिन इससे पहले लॉरेंस अपने सपने यानी सलमान खान को मारने के लिए एक और साजिश को अंजाम देता, पुलिस ने कॉल से लॉरेंस के पूरे प्लान को फेल कर दिया। दरअसल नवी मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य अजय कश्यप और एक अन्य आरोपी के बीच वीडियो कॉल पर हुई बातचीत का खुलासा करते हुए एक्टर की हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया। बातचीत के अनुसार कनाडा में रह रहे लॉरेंस के कासम खास गोल्डी बराड ने शूटर्स को मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पुणे, रायगढ़ और गुजरात में रहने का आदेश दिया था। ये सभी शूटर्स आधुनिक हथियार चलाने में ट्रेंड थे। अधिकारी ने FIR का हवाला देते हुए बताया कि गोल्डी बराड ने लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई और रोहित गुतारो को हमला करने और इस काम के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। इस काम के लिए जॉन नाम के एक आदमी को कथित तौर पर गाड़ी उपलब्ध कराने का जिम्मा दिया था। अधिकारी ने बताया कि गिरोह के सदस्यों को सलमान खान की हत्या करने के बाद कन्याकुमारी में फिर से इकट्ठा होना था और फिर समुद्री मार्ग से श्रीलंका जाना था। उन्होंने बताया कि वहां से उन्हें दूसरे देशों में भेजने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने उनकी यात्रा का इंतजाम किया था। सलमान खान की हत्या की साजिश के बारे में विशेष जानकारी मिलने के बाद 24 अप्रैल को पनवेल टाउन थाने में 17 आरोपियों से ज्यादा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।